हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट सियासी स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ द वीक एंड द नॉमिनीज आर अल्ताफ हुसैन इमरान खान नियाजी एंड द अवार्ड गोज टू none other than Imran Khan Niazi. Hamari agli category hai the most stupid politician of the tareekh of jamhooriyat and the nominees are oye isme to sirf ek hi nominee hai aur naam bhi pura nahi likha hua kasme अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना इफ्फत ने नाम नहीं बताया तो क्या हमें पता ही नहीं कि मोस्ट स्टूपिड लीडर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जमहूरियत कौन है स्टूपिड से याद आया एक उधर है चुलबुल पांडे और एक इधर है मुर्गी और अंडे वैसे हमारे कुप्पी तान साहब और यूथियों ने मिलकर डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी इनकलाब की वाट लगा के रख दी है खुद ही सोचिए ना एक जमाना होता था क्या नारे लगा करते थे शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा और अब क्या नारे लगते हैं मुर्गी अंडा देगी वो इंकलाब आएगा गाय घास खाएगी वो इंकलाब आएगा बकरी दूध देगी वो इंकलाब आएगा सच पूछिए तो फैसल वाडा से लेकर जरताज कुल तक मुराद सईद से लेकर अमीन गंडापुर तक पीटीआई ने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को उसके लोएस्ट दर्जे पे पहुंचा हालत तो भैया ये है कि जर्मनी और जापान की शादी करवाने वाले कुप्पी तान साहब अपने बेटे की उम्र के सियासतदान की नकल उतार वाह क्या बात है तालियां वैसे हद ही नहीं हो गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मजाक उड़ा कौन रहा है जो खुद किसी उजड़े हुए साइंसदान का नाकाम तजुर्बा अच्छा जी मैं चैलेंज करती हूँ इमरान खान नियाजी साहब को कि दुनिया के किसी भी टॉपिक पे किसी भी जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जरा डिबेट तो करके देखें नानी ना याद करवा दी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो मेरा नाम इफ्फत नहीं है हाँ अरे यार तू खुद सोच हैं बिलावल दिलों का इलेक्टेड और आप अजल से सिलेक्टेड बिलावल खूबसूरत और मोहतरम और आप एक्सपायर्ड हैंडसम बिलावल के लिए दिल से हाँ और आप rejected 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 chale phir apne pyare bilawal ke sath solidarity show karne ke liye naray bhutto lagaye naray bhutto jiye bhutto jiye 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 bhutto jiye 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 bhutto jiye 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 bhutto jiye 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 bhutto ye baat जमहूरे से याद आया मनी लॉन्ड्रिंग केस ने बजा के रख दी है इसी सिलसिले में पीटीआई की कोर कमेटी मिलकर बैठी वैसे चंद लोगों के नजदीक ये कोर कमेटी नहीं कोड़ मगजों की कमेटी है क्यों भी यूथियो हमारे नारे सुन के समझ तो आ गई होगी कि जमहूरी और जमहूरे में बहुत ज्यादा फर्क होता है अभी से ब्लास्ट हो गई अभी तो सिलाई मशीनों की बारी भी आनी है फिर पता चलेगा ऑपोजिशन को तुनने वाले खुद कैसे तुने जाते वैसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की सबसे बड़ी गलती ही ऑपोजिशन को तुनना थी इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को अपने शो जिसका नाम है पास कर या बर्दाश्त अस्सलाम वालेकुम सेनेटर एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो
सबसे पहला सवाल आपसे पूछना है कि लगता तो ऐसे कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जरदारी साहब ने भी ये कह दिया, मौलाना भी दिसंबर की बात कर रहे हैं, पीएमएलएन को क्या लगता है? देखिए, हुकूमत के दिन तो लगता बज़ाहिर ऐसा ही है कि गिने जा चुके हैं। अगर आप एमक्यूएम की आवाज़ सुनें, पहली बात तो वहाँ से शुरू करें, वो जो हमारे नैब के चेयरमैन ने कहा कि हवाओं का रुख बदल रहा है, तो मैंने एक दो टीवी प्रोग्राम में कहा शुक्र करें तोपों का रुख बदल रहा है, तोपों का रुख बदल गया तो बड़ा अजाब आ जाएगा, तो शायद फिर वो आप कौन सी तारीख दे रहे थे, दिसंबर, वहाँ तक भी ना पहुँच पाए अगर तोपों का रुख शुक्र करें हवाओं का रुख बदल। तो देखिए, हवाओं के रुख बदल, क्या रुख बदल रहा है? आप एम क्यू एम का जरा सुने वो क्या कह रहे हैं हुकूमत के मतलब, क्या उनके दोस्त हैं उनके हवारी। आप सुनिए मैंगल साहब क्या कह रहे हैं, मैंगल साहब की मदद से उन्होंने हुकूमत बना रखी। आप सुनिए वो जो जी डी ए थी शायद कोई वो क्या चीफ वाली पार्टी जो क्या कह रहे हैं, ये हमारे हैं जो पी एम एल क्यू वाले लोग वो क्या कह रहे हैं, सुने फिर सुने फिर रुकें फिर सुने फिर रिमाइंड करके सुने, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये चलने फिरने आगे पीछे रिमाइंड करने से आपको पता चलेगा। तो बाहर तो ऐसा ही लग रहा है कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं। तो जो हवाओं का रुख बदल रहा है, तो आपको क्या लगता है, इसी सिस्टम में कोई और सिलेक्टेड आ जाएगा, या जो हमारा सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब है वो पूरा होता नजर आ रहा है आपको? आप जरूर मुझे कैद करवाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी सेनेटर साहब, आप फिक्र ना करें। वो क्या मिसरा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं है। ये हमारी ख्वाहिशात का जिक्र नहीं हो रहा है, उन लोगों की ख्वाहिशात का जिक्र हो रहा है जो चाहते हैं कि यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी ना आए, मैडम ना आए, ये उनकी ख्वाहिशात है जो हमें उम्मीद है कि दम तोड़। बड़ी अच्छी बात की आपने, अल्लाह करे ये बात सच भी हो जाए, लेकिन हमने सुना है कि ये तो प्लान ए था, और अब कोई प्लान बी भी है, क्या है? ए बी सी डी ये सब डिजाइन है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जब तक इन डिजाइन से छुटकारा नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वाहिद डिजाइन जमहूरियत में जो है वो नॉइज है, यानी आवाज, आपकी आवाज, अहले दानिश, अहले कलम, सियासत करने वाले, ठेले वाले, सबकी आवाज। जब तक ये आवाज़ सियासत के अंदर नहीं आएगी, जमहूरियत में नहीं आएगी, और जमहूरियत को उसी तरह चलाने की कोशिश की जाएगी जिस तरह डिक्टेटरशिप या डिजाइंड इकोनॉमीज़ को चलाने की कोशिश की जाती है, तो फिर ये गड़बड़ इसी तरह रहेगी। कभी आपको ले आएंगे, मुझे 1990s का पूरा आशरा देखिए, वो इसी तरह स्ट्रक्चर्ड था, डिजाइन था। तो अब आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि अब पीएमएलएन किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी। कहा तो है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। अभी भी ख्वाहिश ही है, अभी भी यकीन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि पीएमएलएन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बना, कि बहुत नुकसान उठाया है जमहूरियत ने भी, और सीख लिया, सीखने का सिलसिला है जो जारी, और लेकिन इस पूरे क्राइसिस से जो ये पूरा अभी हुआ है अपोजिशन को जिस तरह दीवार से लगाया गया है, पीएमएलएन ने सीखा क्या? देखिए, आप तो ऐसे गुफ्तगू फरमा रही हैं जैसे पीएमएलएन मोनोलिथ होती है, कि एक चीज है जिसका नाम है पीएमएलएन, उस पीएमएलएन ने क्या सीखा। पीएमएलएन के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने गालिबन जिन्होंने कुछ नहीं सीखा। एक पीएमएलएन वो है जिसने ये सीखा कि अगर आपने सिस्टम को इसी तरह आगे बढ़ने दिया तो बहुत नुकसान होगा, इसको रोक दें, यहीं पे रोक दें, और इसको आगे नहीं इस तरह चलने दें। यानी कि पीएमएलएन में डिवाइड है, पीएमएलएन में नहीं, इंसानी सोच में डिवाइड है, और कोई भी पार्टी जो जमहूरी नुक्ता नजर रखती हो, जहाँ पे लोगों को आवाज बुलंद करने की इजाजत हो, जहाँ पे अपनी सोच लेके लोग आगे चलें, वहाँ पे ये गुफ्तगू होगी, और अगर गुफ्तगू ना हो तो आप जान लें कि वहाँ पे भी कोई और डिक्टेटरशिप है, वहाँ के अंदर भी कोई और डिजाइनर है जो डिजाइन कर रहा है, और उस डिजाइन के तहत कुछ कॉग्स हैं जो बिल्कुल अपने अपनी सुराख के अंदर जाके बस फिट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी आपके सामने, और अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो आप उन्हें रिपीट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप खामोश रहेंगे। कुछ काम खतरनाक लगता है? नहीं, इतना खतरनाक नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, आसिफ जरदारी जिंदाबाद। आसिफ जरदारी पर मुकदमे हमारी गलती थी, आसिफ जरदारी पे मुकदमा हमें इकतदार मिला तो हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे। हमें इकतदार मिला तो हम द
تمام عامروں پر مقدمے چلائیں گے. تمام عامروں پر مقدمے چلائے ہیں, کچھ کے حال کچھ کے تو آپ کے سامنے آ بھی رہے ہیں, اس کے سمراٹ آئین سے شک تو ایک تو کچھ آج کل میں بھی آئے ہیں. بس ابھی ہم ان پہ بات ذرا کل ہی کر لیں تو بہتر ہے, آج رہنے دیں. آئین سے شک نمبر 62 اور 63 کا خاتمہ کریں گے. آئین سے 62-63 کا خاتمہ کریں گے. سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کریں گے. سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال. سیاست میں عوام کے بجائے محکموں پر اعتماد غلط ہے. سیاست میں عوام کے بجائے محکموں پر اعتماد غلط ہے. خاموشی کہہ رہی ہے کان میں, کیا آ رہا ہے میرے گمان میں. آئندہ کوئی چودھری نثار نہیں لائیں گے. کوکین کی فروخت پر سخت پابندی لگائیں گے. کوکین کی فروخت پر پابندی سخت لگائیں گے. زبردست, یو پیڈ اٹ ریلی ویل, یو گیٹ 10 out of 10. اچھا سینیٹر صاحب, ہمیں یہ کسی نے بتایا کہ آپ گانا بہت اچھا گاتے ہیں, تو آج کل کے حالات کی مناسبت سے ہمارے شو پہ پلیز ایک گانا تو سنا دیں. سوجھتا نہیں چل پڑے مگر راستہ نہیں, ہم بھی کھو گئے تم بھی کھو گئے, ایک راہ پر چل کے دو قدم. Thank you so much. Thank you so much.